बर्खास्त एसएसपी राजू सिंह हुंदल नूं एक बार फिर तो हाईकोर्ट दे वल्लों राहत मिलदी हुई नजर आ रही है। सो भगौड़ा ऐलानण दा ऐलान किया गया सी, पर हुण इस मामले दे विच एक हफ्ते दा वादा कर दिता गया, एक हफ्ते दा समां दे दिता गया है। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि बर्खास्त एसएसपी राजू सिंह हुंदल नूं हाईकोर्ट दे वल्लों राहत मिली है। सो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वल्लों नशा तस्करी अते होर धारावां दे तहत दर्ज FIR दे मामले दे विच साबका SSP राजीव सिंह हुंदल नूं वड्डी राहत दित्ती गई है। कोर्ट दे वल्लों साबका SSP नूं भगौड़ा ऐलानण दी प्रक्रिया एक हफ्ते लई टाल दित्ती गई है, ते इस दे नाल ही उसनूं अगाऊं जमानत पटीशन दायर करन दे लई वी इन्ना ही समां दे दित्ता गया है। सो पटीशन दायर करदिआं होइआं राजीव सिंह ने कहा है कि उस विरुद्ध की गई सारी कार्रवाई पूरी तरह गलत है, उसनों बर्खास्त करन दे हुकम भी नियमों नूं मुख रखदिआं होइआं जारी किए गए ने। सो पटीशनर नूं भगौड़ा घोषित करन दी प्रक्रिया अते उस विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी निर्धारित प्रक्रिया के उल्ट ही जारी किया गया है। सो पटीशनर ने इस मामले दे विच कोर्ट नूं इस मामले की जाँच दे विच CBI नूं पूरी जाँच सौंपण की अपील की है, जिसके उत्ते हुण हाई कोर्ट चर्चा कर सकता है, हाई कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। फिलहाल जांच दे लई CBI दी जांच दी मांग की गई है। पटीशनर दे वल्लों यह जो अपील है की गई है। सो SSP राजीव सिंह भावें अपने वल्लों कई दलीलां दे रहे ने, कह रहे ने कि यह जो पूरे इल्जाम ने यह झूठे ने, पर कि इल्जाम वाकई झूठे ने यह आने वाला समा दसेगा। पर फिलहाल तुहानूं दस दईए कि हुण SSP राजीव सिंह हुंदल नूं हाई कोर्ट दे वल्लों राहत जरूर मिली है अते भगौड़ा ऐलानण ते एक हफ्ते की रोक लगा दी गई है। बर्खास्त SSP राजीव सिंह हुंदल नूं एक बार फिर तो हाई कोर्ट दे वल्लों राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सो भगौड़ा ऐलानण दा ऐलान किया गया सी, पर हुण इस मामले दे विच एक हफ्ते का वादा कर दिता गया, एक हफ्ते का समा दे दिता गया है। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि बर्खास्त SSP राजीव सिंह हुंदल नूं हाईकोर्ट दे वल्लों राहत मिली है। सो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वल्लों नशा तस्करी अते होर धारावां दे तहत दर्ज FIR दे मामले दे विच साबका SSP राजीव सिंह हुंदल नूं वड्डी राहत दित्ती गई है। कोर्ट दे वल्लों साबका SSP नूं भगौड़ा ऐलानण दी प्रक्रिया एक हफ्ते लई टाल दित्ती गई है, ते इस दे नाल ही उसनूं अगाऊं जमानत पटीशन दायर करन दे लई वी इन्ना ही समां दे दित्ता गया है। सो पटीशन दायर करदिआं होइआं राजीव सिंह ने कहा है कि उस विरुद्ध की गई सारी कार्रवाई पूरी तरह गलत है, उसनों बर्खास्त करन दे हुकम भी नियमों नूं मुख रखदिआं होइआं जारी किए गए ने। सो पटीशनर नूं भगौड़ा घोषित करन दी प्रक्रिया अते उस विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी निर्धारित प्रक्रिया के उल्ट ही जारी किया गया है। सो पटीशनर ने इस मामले दे विच कोर्ट नूं इस मामले की जाँच दे विच CBI नूं पूरी जाँच सौंपण की अपील की है, जिसके उत्ते हुण हाई कोर्ट चर्चा कर सकता है, हाई कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। फिलहाल जांच दे लई CBI दी जांच दी मांग की गई है। पटीशनर दे वल्लों यह जो अपील है की गई है। सो SSP राजीव सिंह भावें अपने वल्लों कई दलीलां दे रहे ने, कह रहे ने कि यह जो पूरे इल्जाम ने यह झूठे ने, पर कि इल्जाम वाकई झूठे ने यह आने वाला समा दसेगा। पर फिलहाल तुहानूं दस दईए कि हुण SSP राजीव सिंह हुंदल नूं हाई कोर्ट दे वल्लों राहत जरूर मिली है अते भगौड़ा ऐलानण ते एक हफ्ते की रोक लगा दी गई है।